तो वहाँ यहाँ पे चाय पियेंगे दादा की, एक बार और पी थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनाई थी। दादा की चाय में दम, बहुत दम। हमारी शाम ड्राफ्ट में वीडियो पड़ी हमने, कौन सी कहा था, कवर देख के डिसाइड ना करें। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। हे एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी तो लगभग बज रहे हैं 11:30 और अभी हम और आकाश निकल रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। आज आकाश मतलब फाइनली वीडियो बनाएगा, क्योंकि बहुत दिन से उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो वो हॉस्पिटल में था, तो इस वजह से वीडियो बन नहीं पा रही थी। तो फाइनली वो घर भी आ गया है कल, और अभी हम लोग जा रहे हैं वीडियो बनाने। उसके बाद वहाँ से हम लोग जाएंगे इमामबाड़ा और जाके रहेंगे, क्योंकि मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो चल के दिखाते हैं आपको। अभी हम लोग आ गए वापस रिवर फ्रंट, और आकाश को यहाँ पे एक वीडियो बनानी थी तो इस वजह से इसने फूल खरीदे हैं। और अभी मेरा पैकेज भी आ गया, जो मैंने कल या मैंने परसों ऑर्डर किया था इसको। और इसमें एक माइक है जो कि मेरे हेलमेट में लगेगा। आपने 2 वीडियो देखी होंगी पुरानी, जिसमें सिर्फ अगर आप ईयरफोन लगा के देखेंगे तो आपको सिर्फ लेफ्ट वाले कान में आपको सुनाई दे रहा होगा, बाकी राइट वाले में नहीं सुनाई दे रहा होगा। तो इस वजह से मैंने थोड़ा अच्छा माइक लिया। ऐसा क्यों हो रहा था, पब्लिक को बताओ। वो मोनो माइक मैंने ले लिया था गलती से, और इस बार जो लिया वो स्टीरियो माइक लिया है। और मतलब जो लोग ब्लॉग करना चाहते हैं या जो लोग करने के सोच रहे हैं, स्टीरियो माइक लीजिए, क्योंकि उसमें दोनों तरफ से आपका साउंड आएगा। और काफ़ी अच्छा क्वालिटी का माइक है। मैं अभी इसको अनबॉक्स करूंगा और आपको दिखा दूंगा कैसा है। अगर आपको अच्छा लगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। और एक और मैंने माउंट मंगाया है फ़ोन के लिए, उसमें भी शॉटगन माइक भी लग सकता है, क्योंकि एक शॉटगन माइक मेरे घर पे पड़ा हुआ है और वो ऐसे धूल चाट रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको भी यूज़ करूँ। तो अब से प्रॉपर व्लॉगिंग करेंगे, सेटअप आपको दिखा देंगे कैसा है। अभी घर चल के पहले सेटअप दिखाएंगे, उसके बाद इमामबाड़ा जाएंगे। तो तुम्हारा घर काफ़ी साफ होगा, क्यों जो पड़ा है तुम बता रहे हो धूल चाट रहा है? धूल लगी नहीं रही होगी, अरे धूल चाट। अच्छा, तो अभी इसको यहीं पे चल के अनबॉक्स कर लें कि घर पे चल के करें, समझ में नहीं आ रहा है। घर पे चल के करना, यहाँ अच्छे से पहले प्रॉपर वीडियो बना ले, वरना इसी में हो जाएगा। हाँ, ये भी कर सकते हैं। और यहाँ गंदगी भी मच जाएगी, हम नहीं चाहते पार्क इतना साफ है तो गंदा हो। काफी कमाल का व्यू और बहुत तेज नदी का बहाव आ रहा है। ये शेड पे तो अच्छा लग भी रहा है ना, लेकिन वो लड़की कब आएगी यार? नहीं भाई, बोला देके चली गई। देखो यार, बारिश ना हो जाए, बेचारी आ भी ना पाए यार। हमें नहीं लग रहा है इस बार आएगी वो। चलिए गाइस, बनाते हैं एक कोई हमारे साथ बंदा नहीं, वरना हम इस रील की मेकिंग सीन्स दिखाते हैं आपको कैसे बन रही है, क्योंकि हम ही दोनों हैं बस। कोई बात नहीं, हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं इसको और हमको, और वहाँ पे हम लोग वीडियो डाल देंगे। कैसी वीडियो? वीडियो से पहले ही, हाँ वीडियो से पहले ही, मतलब वीडियो के बाद ही आएगी व्लॉग। तो डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार चेक करिएगा। ये रील के लिए मज़ा बहुत आएगा। नहीं फॉलो करे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ फॉलो करे। म्यूजिक लगा देना है कमेंट। इतनी सारी चिड़िया पता नहीं कहाँ से आ गई, बहुत ज़्यादा आ गई। सब एक साथ बैठी हुई है भाई। यहाँ क्या कर रही है सब? खेल नहीं है, वीडियो बना रही है उन लोग अपनी। आओ। तो फाइनली घर आ गया हूँ मैं, और अब इसको अनबॉक्स करते हैं। और पंखा मैंने बंद कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइज़ आएगी अगर पंखा खुला रहेगा। तो अब इसको अनबॉक्स करते हैं और आपको बताते हैं क्या क्या है। ये रहा लेवेलियर माइक्रोफोन, जो कि हमारे हेलमेट में लगेगा। और ये पुराना वाला माइक, इस ये अब काम आएगा, ये बहुत दिनों से पड़ा हुआ था इसे यहीं पे। और ये है माउंट, जो कैमरा माउंट होगा ट्राइपॉड में। अच्छा, ये स्टिकर है, आप इसको लगा सकते हैं। तो इसको साइड में रखते हैं। और ये मेन चीज़ है, देखने में काफ़ी सिंपल है लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है ये कुछ इस तरीके का माउंट है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है अपना। सॉफ्ट भी है, यहाँ से ऊपर नीचे हर जगह से सॉफ्ट है। और ये माइक जो है इसमें कुछ इस तरीके से लगेगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया है। और ये मैंने इसको सीधा कर दिया और ये लगेगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे। और अभी मैं आपको सेटअप करके दिखाता हूँ पूरा कि कैसा लगेगा ये। तो अब इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। और ये माइक तो काम कर रहा है काफ़ी अच्छे से, जो शॉटगन माइक लगा हुआ है अभी। ओहो, तो ये रहा, इसमें तरीका दिया हुआ है कि कैसे क्या करना है। तो ये डायरेक्ट जो दिया हुआ है ये हमारे फ़ोन में लग जाएगा डायरेक्ट। और अगर हम इसको लगाएंगे तो ये DSLR और कैमरे के लिए दिया हुआ है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे 1 2 3 पोल हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 पोल हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है इसकी। और इस कंपनी का नाम है जॉरेस करके कंपनी है। ये 550 का मिला ये वाला माइक। और ये जो आपने ट्राइपॉड देखा, ट्राइपॉड के ऊपर जो माउंट लगा हुआ है वो 400 के करीब था, 350 के करीब था, मतलब इसी के आसपास था। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। मैं पूरा भीग गया हूँ, मेरी शर्ट डिगे कितनी भीग गई। और जो अभी आपको आवाज़ आ रही होगी वो इस माइक से आ रही होगी। और काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी है इस माइक में और अच्छी आवाज़ आ रही है इससे। और अभी आपको फ़र्क पता लग जाएगा। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो इस माइक की सुन रहे हैं और जो अभी आप आवाज़ सुन रहे हैं वो डायरेक्ट मेरे आईफोन की आवाज़ है। तो आपको डिफरेंस तो पता लग ही गया होगा इस माइक का और इस माइक का। कमेंट करके बताइएगा कि डिफरेंस आपको पता लगा या नहीं लगा। और कुछ इस तरीके का व्लॉगिंग सेटअप है हमारा। और बस इसमें डेड कैट लगाना है, उसके बाद ये माइक काम करने लगे। वैसे अभी भी काम कर रहा है लेकिन डेड कैट के बाद कुछ ज़्यादा अच्छा दिखेगा। और अभी मुझे केबल नहीं मिल रही है तो मैं आपको चेक नहीं करा सकता हूँ ये वाला माइक। तो अभी चलते हैं बस। देख सकते हैं आप 3 बजने वाला है और बस आकाश लोग जैसे ही आते हैं हम निकलते हैं यहाँ से। काफ़ी ज़्यादा कूड़ा मच गया है यहाँ पर। फाइनली केबल मिल गई है और इसकी ज़रूरत थी, ये भी काम आएगी, ये भी काम आ सकती है। और अभी आपको दिखाते हैं कैसे क्या होगा। तो इतनी देर से वेट कर रहे थे अर्पित का, क्योंकि जल्दी आए तो फिर हम लोग जल्दी यहाँ से निकले। और फाइनली महाशय आ चुके हैं, तैयार होके बैठे थे। अच्छा, तो ये देखो अभी हमने नया ब्लॉगिंग सेटअप बनाया। कैसे लगा? छोटा सा कैमरा अच्छा है लेकिन माइक भी है। हाँ, डेड कैट लगा देंगे। तो श्याम भाई का वेट कर रहे हैं उनके ऑफिस के बाहर और बस आते ही होंगे वो। तो चलते हैं, बता रहे लिफ्ट से आ रहे, मतलब शो ऑफ की भी हद होती है भाई। तो श्याम भाई आ चुके हैं। तो आ गए मेहंदी घाट के पास। और यहाँ एक बार हम लोग और आए थे, हम और आकाश और फरमान भाई आए थे यहाँ पे फ़ोटोशूट के लिए। और अभी ऊपर चल के आपको पुल दिखाते हैं, वहाँ से अगर फ़ोन गिरा नीचे तो इम्पॉसिबल है मिलना। और ये है अपनी गोमती नदी। और बारिश भी तेज़ हो गई है, थोड़ी तेज़ हो गई है। ये वो है सिंघाड़े क्या? शाम से ज़्यादा थोड़ी ना पता होगा किसी को। सिंघाड़े की खेती होती है। और ये क्या है? ये जलकुंभी है। इससे क्या होता है? मतलब कि जलकुंभी एक होगी तो धीरे धीरे 1000 2000 फैलती जाएगी, फैलती जाएगी। अच्छा, मतलब ऐसे बेशरम के पेड़ जो होते हैं है ना, वो एक जगह निकलते तो लाइन से निकलते रहते। अच्छा, तो वहाँ काट रहे हैं वो लोग। तो अभी हम लोग वहाँ पे तो वीडियोस बना लिए, अब आए, दादा की चाय पियेंगे, फिर उसके बाद घर चले जाएंगे और जिम भी जाना है तो कभी और इमामबाड़ा आएंगे क्योंकि लेट हो रहा था इस वजह से नहीं गए, वरना चल देते हम लोग। तो अर्पित का लुक देखिए दादा, आओ दादा तो वहाँ यहाँ पे चाय पियेंगे दादा की, एक बार और पी थी, काफी ज्यादा अच्छी बनाई थी। सारा चाय में दम, बहुत दम। तुम्हारी शाम ड्राफ्ट में वीडियो पड़ी हमने, आप कौन सी कहावत है कि कवर देख के डिसाइड ना करें, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये देखिए देसी पकौड़े, देसी पकौड़े मिलावट, गांव वाली फीलिंग आ रही है, गांव वाली फीलिंग आ रही है। मिर्चा चला गया, मिर्चा मिर्चा नहीं, मर्चा 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 मर्चा। तुम मिर्चों को मर्चा क्या बोलते हो? मर्चा बोलना अपना पंचा लगता है, ये गांव की अच्छा देखो पकड़ ले, तभी तुमको सब ज्ञान है। मिर्ची जो होती है वो इंग्लिश वर्ड है थोड़ी सी और जो मिर्चा है गांव से कहीं जो मिर्च ना है तो यहाँ सोने का भाव देते हैं, वही चीज तो है यहाँ है नहीं, यहाँ कहाँ उगता है, कोई नहीं उगाना पसंद करता भाई, बहुत बारीक खेती होती है। अर्पित के वहाँ पे तो लगी थी मिर्चे के पेड़ ना, तो उसके बीज डाल दो, गड्ढा खोद के निकल आएंगे, मिल जाता है। अबे उसको बता पालना बहुत मुश्किल है, शेर है शेर, सूखना सूख जाता है बहुत जल्दी। देसी मिर्च होते गोल वाले वो सही होते हैं, वो तो भाई आग होता है। अब खत्म हो गया यार, अब क्या खाएं अब भैया, कुछ चीजें तो सब क्या बतावे, खाया तो जाते ही है। अब और नहीं पकौड़ी बची है, पकौड़ी बहुत टेस्टी थी दादा, मिस कर दिया यार। बारिश बहुत ही तेज हो रही है और हम लोग घर जा रहे हैं, तो जाम के चक्कर में हम लोग आ गए हैं, हनुमान मंदिर की तरफ से जाएंगे, इधर से सन्नाटा रहता है। आपको बता दें रॉकी ने ये डिसीजन लिया, मेरा कोई डिसीजन नहीं है इसमें। तो हजरतगंज की तरफ बहुत जाम मिलता है, वो रोड भी एक सिंगल रोड है। लगभग 7 बज गया और काफ़ी ज़्यादा भीग गए थे हम और अर्पित, और अर्पित तो अभी भी बैठा हुआ है, भीगा हुआ पूरा। और हम और आकाश जा रहे हैं अभी अमीनाबाद, एक्चुअली आज ही उसको पता नहीं ग्लव्स क्यों चाहिए, जिम के लिए जा रहा है। और हम बोल रहे हैं कि चलो लेट हो गया, लेकिन कह रहा नहीं हमको ग्लव्स, बिना ग्लव्स के हम जिम नहीं लगाएंगे। तो हमने कहा चलो यार चलते हैं, और अर्जुन पहुंच गया जिम, तो अभी हम और आकाश जाते हैं जिम। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करना, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।